हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाए ताकि हम कोई नया बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फंडिंग के लिए जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक में बैंक मैनेजर सबसे पहले हमें क्या कहता है, आप अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ। हम मार्केट में पता करते हैं प्रोफेशनल काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं इस चीज़ के, तो उसी चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा कैसे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहला पेज जो है हमें बनाना होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ये बताना होता है कि हमारी कंपनी किस टाइप की है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या LLP एंड अदर टाइप्स की कंपनी, जो भी हमने अपनी कंपनी बनाई है। उसके बाद ब्रीफ में हमें बताना होता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में। उसके बाद आपको इसी इंट्रोडक्शन में ही बताना है कि आपके प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल बतानी है, इसमें कितने प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स होंगे इस कंपनी में, और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है इसके बारे में बताना होता है। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स का जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ बताना होता है कि कितने हमारे प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स हैं। उसके बाद हम जब प्रमोटर्स में आते हैं, इसमें हमें सभी प्रमोटर्स की कंप्लीट डिटेल देनी होती है, जैसे उसका नाम, उसका फादर नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस एंड उसकी क्वालिफिकेशन एंड उसका एक्सपीरियंस, कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, मार्केट में क्या अनुभव है, उसने क्या क्या काम किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स हमको ब्रीफ में एक एक पार्टनर्स एंड प्रमोटर्स की सबकी डिटेल्स देनी होती है। तो ये हो गए हमारे दो स्टेप की हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। चलिए, तो हम मैंने आपको दो पार्ट बता दिए, पहला हमारा हो गया इंट्रोडक्शन एंड हो गया हमारा प्रमोटर्स। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है हमें तो हमारे टेक्नोलॉजी में क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, क्या सोर्स है। मान लीजिए कोई आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसका सोर्स क्या है, उसकी बैकग्राउंड कोलैबोरेशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है एंड रिलायबिलिटी क्या है, एंड उस ऐप या जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके फीडबैक क्या है, रिव्यू कैसे हैं ये चीज़, एंड क्वालिटी कैसी है उसकी। तो ये चीज़ें आपको अगर टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं तो रिलायबल है, नहीं तो इसको रहने दीजिए। तो हमने तीन पेजेस की बात कर ली, इंट्रोडक्शन, प्रमोटर एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं हम मार्केट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी मार्केटिंग और प्रोडक्शन का के बारे में हमें यहाँ बताना होता है। तो इसमें सबसे पहला पैराग्राफ जो आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन, मतलब जिस इंडस्ट्री का आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एक डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि ये इस इंडस्ट्री में मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, और इसके बारे में आपको डिटेल में देना है। देन सेकेंड पैराग्राफ आप इसी में बनाएंगे, उसमें आप बताएंगे मार्केट का साइज, कि आपकी मार्केट का साइज क्या है, उसके कंज्यूमर का यूजेस क्या है, ये बताएंगे। उसके बाद आपकी ग्रोथ एंड ट्रेंड्स में क्या उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसके, ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद आपको ये भी देखना है आपके कॉम्पिटिटर कैसे है, आपका कॉम्पिटिशन किसी बड़ी कंपनी से तो नहीं है या कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिटर तो नहीं है, इन चीज़ों का भी आपको एनालिसिस करना होगा। और जो एनालिसिस आपने किया है वो चीज़ आपको एक पैराग्राफ में डिटेल्स में देनी होगी। उसके बाद आपकी टारगेटेड मार्केटिंग क्या है, मतलब आप किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी ज़्यादा सेल आएगी, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है। अब इसके बाद हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ में हमें बताना होता है हमारी लोकेशन के बारे में, हम जहाँ पे अपनी यूनिट लगाने जा रहे हैं वहाँ की लोकेशन के बारे में, जो हमारी लोकेशन है वो सही जगह है भी कि नहीं है। एंड उसके बाद हमारे को बताना होता है हमारी पावर एंड यूटिलिटीज़ एंड सब्यूटीज़ के बारे में, कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे वो बोर्ड की कितनी यूज़ करेंगे, अगर हमें जनरेटर्स की ज़रूरत है तो जनरेटर हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमें अपनी मैन पावर देखनी होती है, मैन पावर देखनी होती है कि हमने जहाँ पे भी यूनिट लगाई है वहाँ पे हमें मैन पावर स्किल एंड अनस्किल दोनों मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर क्योंकि हम ऐसी जगह कहीं यूनिट लगा देते हैं जहाँ पे हमें मैन पावर ही ना मिले, तो इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन सबसे मेन टॉपिक होता है ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी देखना है, जहाँ पर हमारी यूनिट है वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जो व्हीकल आने, हमारे रॉ मटेरियल आने, मशीनरी आने या कुछ भी गुड्स आना है जो कि सेफ गुड्स है, जिसके लिए हमें रोड सेफ चाहिए होते हैं, जिसके लिए ट्रक हमारे अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हमारे स्टाफ के आने जाने की जगह है कि नहीं है, ये चीज़ देखना होता है। उसके बाद हमें पॉल्यूशन देखना होता है, हमने कहीं ऐसी जगह अपनी यूनिट तो नहीं लगा ली जहाँ पर हमें पॉल्यूशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट ना मिले, एंड अदर सर्टिफिकेट जैसे होते हैं जस्ट लाइक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस एंड अदर ETC। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें अपना, अगर हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग
यूनिट है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो हमें हमें यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट के बारे में भी एक बताना होता है। इसमें हमें बताना होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट कैसे रहेगा, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोसेस बताने के बाद हमें बताना होता है इंस्टॉलेशन कैपेसिटीज़ के बारे में, कि हमें इसमें ये बताना होता है कि हमारी बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी ठीक से है कि नहीं है, क्या कैसे हमारी बैलेंसिंग रहेगी मशीनरी की। देन उसके बाद हमें बताना है नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज, हम जो वर्किंग करा रहे हैं वर्किंग डेज एंड आवर्स, कि कहीं हम मैक्सिमम काम तो नहीं करा रहे जो नॉर्मल चलता है हमारे, 8 आवर से ज़्यादा तो नहीं करा रहे जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है। चलिए अब इसके बाद हमें बताना होता है हमारे रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए हम एक सैनिटाइजर बना रहे हैं, ठीक है, तो सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी, एथनॉल की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बोबोल की ज़रूरत पड़ेगी एंड अदर रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या क्या आएगी, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ में डिटेल्स में बताना होता है। देन इसके बाद हमारी इन कामों को करने के लिए हमारी मैन पावर कितनी लग रही है, हम इसमें वर्कर कितने यूज़ कर रहे हैं जो स्किल है या अनस्किल है, हमारे इसमें क्लर्क कितने लग रहे हैं हमारी इस यूनिट में, हमारे सुपरवाइज़र कितने हमने इसमें ज्वाइन किए हैं, हमारे मैनेजर कितने रहेंगे, गार्ड्स कितने रहेंगे, इन सब की एक वेजेस ऑफ सैलरी की एक कॉस्टिंग एक आपको बना के देनी होगी। देन आ जाता है हमारा लाइसेंसिंग, कि हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सैनिटाइजर का बिज़नेस किया है, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा ड्रग लाइसेंस, कि आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको बताना है। और मान लीजिए कोई भी बिज़नेस है तो आपके कौन कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत है और क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिए और क्या क्या आपके प्रोसेस में है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं और दिखाने होते हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनानी होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमें हमें लैंड बिल्डिंग के बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, लैंड पे कभी भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता कि लैंड खरीदने के लिए आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा। इसमें आपको इतना बताना है आपकी लैंड अपनी है या आप रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं तो उसका रेंट कितना जाएगा ये बताना है। उसके बाद बिल्डिंग के बारे में, अगर आपने आप उस पर बिल्डिंग कोई रेडी कर रहे हैं तो बिल्डिंग में आपका कितना खर्चा आ रहा है उसको रेडी करने में, वो चीज़ आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, आपकी प्लांट एंड मशीनरी में कितना खर्चा आ रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद एंड अदर फिक्स एसेट में हमारा क्या खर्चा आ रहा है वो चीज़ हमें यहाँ दिखाना है। अब उसके बाद सबसे मेन आती है, मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं अपने यूनिट के लिए, तो उसको बनाने में अब हमको 6 से 7 महीने तो लग ही जाएंगे, ठीक है, तो इस बीच में बैंक अपना इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। वो आपका कोई सगे वाला रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई ससुर नहीं बैठा कि वो अपने दामाद को गिफ्ट समझ के दे देगा, वो अपना इंटरेस्ट लगाता रहेगा। तो इसको भी आप इन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना इंटरेस्ट का पोर्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जब आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई तो उस समय जिस मशीनरी की आपने कॉस्टिंग लगाई 10 लाख रुपए की, अब आप जब वही मशीनरी आप 6 से 7 महीने बाद परचेज कर रहे हैं तो वही मशीनरी आपको 15 लाख रुपए की पड़ रही है, तो यहाँ तो आपको सीधे सीधे 5 लाख का नुकसान हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है होता है, एक्सेलेरेशन इंक्लूड करके चलना होता है। इसके लिए आप 10% का एक एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड करके चल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे कुछ प्रीमली एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पे वो भी हमें ऐड कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल, हमारा इसमें हमारी इसमें वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही है, हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, हम हमारा कितना अमाउंट लगेगा। अब जो चीज़ें हमने प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट में बताई है, जिन चीज़ों की हमने कॉस्टिंग बताई है, उन चीज़ों को हमें ब्रीफ में एक बार डिटेल में बताना है कि हमारा उसमें कैसे इतना एक्सपेंसेस लग रहा है। तो सबसे पहले हम लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड के आप एक टाइटल बनाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लैंड ली, अब उसको लैंड को लेने में आपकी कुछ स्टैम्प ड्यूटी का एक्सपेंसेस आया, स्टैम्प ड्यूटी लेने के बाद आपने जब उसको परचेज़ किया था उसको परचेज करते समय किसी ब्रोकरेज को ब्रोकरेज पे की उसकी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद मान लीजिए आप उस लैंड जो आपने खरीदी थी वो उबड़ खाबड़ थी या ऊपर नीचे थी, तो उसको डेवलप कराने में भी आपका कुछ एक्सपेंस आया, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिल्डिंग पे, क्यों हम जो अपने यूनिट बनाएंगे तो बिल्डिंग रेडी करेंगे। बिल्डिंग रेडी कराने के लिए आपको सबसे पहले एक सेंक्शन कराना होता है आर्किटेक्चर से, वो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका रिक्वायर्ड ऑफ बिल्डिंग एरिया कितना है विद बेसमेंट, वो चीज़ बतानी है आपको। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप किस टाइप की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपको नगर निगम से एक अप्रूवल लेना होता है अपनी बिल्डिंग का, जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसका, और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे लगाना होता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपना प्लांट ऑफ मशीनरी में। प्लांट ऑफ मशीनरी में जैसा कि हमने बताया था आपको, प्लांट ऑफ मशीनरी के
का भी पूरा एक फ्लो चार्ट बताना है कि आपके प्लांट एंड मशीनरी ये होगी, आपकी मशीनरी की बैलेंसिंग कैसे रहेगी जिससे आपकी कोई भी मशीनरी स्टॉप ना हो, वर्किंग आवर में सभी मशीनें रनिंग रहे कंटिन्यू। मान लीजिए मिक्सचर और पैकेजिंग में कोई डिफरेंट ना आए, ताकि मिक्सचर ज़्यादा मिक्स कर रहा है, पैकेजिंग कम कर रहे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको बैलेंसिंग करके आपको डिटेल्स इसकी बतानी है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। आप फाइनेंसिंग कितना मांग रहे हैं, आपकी टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है। अब देखिए, जो भी आपकी प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा वो पूरा फाइनेंस कभी भी आपको पूरा बैंक नहीं करेगी। आप कहेंगे पूरा बैंक फाइनेंस कर दे, वो आपको की फाइल पहले ही रिजेक्ट कर देगी। तो उसमें आपको दिखाना है कि देखिए जी, हमारा इतना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, इसमें खुद तो हम इतना पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद हम आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं, और कुछ अमाउंट हम अपने रिलेटिव्स एंड जानकारों से क्रेडिट ले रहे हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिल्कुल लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज पे आ चुके हैं। सबसे लास्ट मेन टॉपिक है ये। यहाँ पे आपको बैंक को एक्सप्लेन करना होता है आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है, और प्रॉफिटेबल है तो कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है, और इसमें आपसे बैंक आपकी 4 से 5 साल की प्रोजेक्टेड रिपोर्ट मांगता है। तो चलिए वो मैं बता देता हूँ आपको, कैसे आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्टेड रिपोर्ट रेडी करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको आपके रॉ मटेरियल के बारे में बताना है। जो भी आपने प्रोडक्शन की, इन पूरे प्रोडक्शन जितना भी आपने किया उसमें आपका रॉ मटेरियल कितना लगा, उसमें आपके कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कितने आए, जो आप पैकेजिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें कितनी आई। उसके बाद इसमें आपका पावर एंड फ्यूल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड आपने कोई जनरेटर वगैरह रखा है तो उसमें आपका फ्यूल का एक्सपेंसेस क्या आया, एंड सैलरी एंड वेजेस आपकी कितनी गई, ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करनी है। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपका कितना खर्चा आया ये बतानी है आपको। इसके बाद आपका इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस सबसे मेन पार्ट होता है, आपको अपनी यूनिट का एंड अपने स्टॉक का, इन चीज़ों का इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंश्योरेंस करवाएंगे जिससे कल को आपकी यूनिट में खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाता है तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इससे बैंक को भी श्योरिटी लगेगी, हाँ इसे इंश्योरेंस भी ले रहा है ये, तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी बताना है हमारी सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट में हमारा कितना खर्चा आया, ये चीज़ें बतानी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन बताना है कि आपका डेप्रिसिएशन कितना है। इसके बाद आपकी टैक्सेस कितना आपने पे किया ऑल ओवर वो बताना है। इसके बाद आपने बैंक को कितना इंटरेस्ट पे किया, ये सारी चीज़ों की कॉस्टिंग आप निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल सेल, ठीक है, जो भी आपके पास सेल का रेवेन्यू आया वो एक साइड दिखाना है, और इन सब की कॉस्टिंग दिखानी है। उसमें से सेल में से आप ये सारी कॉस्टिंग माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने जो भी लोन का रीपेमेंट किया वो दिखाएंगे कि हमने, देखिए आपका रीपेमेंट करने के बाद भी, बल्कि हमारी प्रोडक्शन पूरी 100% नहीं हुई फिर भी हमने आपकी रीपेमेंट भी की, रॉ मटेरियल का पैसा भी साइड किया, उसके बाद भी हमारे पास इतना अमाउंट प्रॉफिट के तौर पर बच रहा है। तो ये था टोटल प्रोसेस। इस तरह से आप अपनी एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना लेंगे तो कभी भी बैंक आपको लोन के लिए मना नहीं कर सकता, क्यों, एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपके लोन को अप्रूवल दिलाती है। तो आई होप वीडियो समझ आई होगी आप लोगों को, पसंद आई होगी, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाते रहते हैं।